गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज तो हम कुछ और अलग सीखेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप आज एक ही पेपर से कोट, पैंट एंड शू कैसे बना सकते हैं ओरिगैमी विदाउट कटिंग एंड पेस्टिंग। शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें चाहिए स्क्वायर शीट, तो मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। वैसे तो स्क्वायर शीट भी आती है, मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। मैं आपको बेसिक पेपर से इसलिए बताता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो घर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, शीट को स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करना तो आता है सबको, ठीक है। उसके बाद हम इस पेज को टियर कर देते हैं। टियर कैसे करते हैं, हल्का सा कट लगाया और ऐसे करके टियर। अब हमारे पास में ये स्क्वायर शीट है। स्क्वायर शीट के बाद में हमने इसको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है लाइक दिस। देन उसके बाद हमने इसको इस साइड से भी फोल्ड कर लेना है ऐसे। ध्यान रहे आपका एज टू एज प्रॉपर मिले हुए होने चाहिए, तभी अच्छा आएगा, अदरवाइज अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखिए आपका ऐसे और ऐसे प्लस बन गया, ठीक है, राइट। आ गया प्लस, एक ऐसे आ गया और एक ऐसे आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इन प्लस में जो बॉक्सेस हैं फोर, उसमें हम लोग ये ऐसा और सारे बॉक्सेस में हम लोग सेम थिंग रिपीट करेंगे। देखिए ये हो गया ऐसे ही, फिर ये हो गया और ऐसे ही आपका ये हो गया, ठीक है, हो गया। अब इसको फ्लिप कर लेना है और फिर उसके बाद में हम लोग सेम वही चीज रिपीट करेंगे अगेन। एक बार इसको ऐसे भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हमने ये तो कर ही लिया था, एक बार रिकैप ले लेते हैं। हमने सबसे पहले स्क्वायर शीट ली, स्क्वायर शीट लेने के बाद में उसे जो है वो प्लस बनाया ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड करके, ठीक है। फिर उस फोल्ड के बाद में हमने चारों उसमें फ्लैप को ऐसा बना दिया। फिर उसके बाद में पेज को फ्लिप किया, फ्लिप करने के बाद में फिर से हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। डन डन, फिर उसके बाद में ऐसा जो आ रहे हैं इसके ऊपर फिर से हम लोग यही चीज रिपीट करेंगे, सेम सेम चीज हमें रिपीट करनी है इधर भी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर एंड फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए ऐसा आ रहा है, अब बैक से भी आपका ऐसा है। अब हमें करना क्या है, ये चीज देखिए, ये जो आपका है इसको हमें किसी एक को ऐसे और इस साइड से ओपन करके ऐसा कर लेना, ठीक है। और इसके ऑपोजिट साइड से भी हमें सेम यही कर लेना है, सी, ठीक है, समझ आ गई। फिर उसके बाद में इसको ऐसे कर लेना है। अब इसका ये वाला फ्लैप खोल के और ये वाला फ्लैप खोल के इसको आगे लाना है और फिर से इसको बंद कर देना है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है और ये पीछे वाले फ्लैप को फिर आगे लेके आना है ऐसे, और आगे लेके आके ये वाला
सी कोट हो गया, और अगर इसको फ्लैप को पीछे कर दे और अगर इसको फिर से अगर हम लोग आधा फोल्ड कर दें तो ये हमारे क्या बन गए, शूज। इज इट इजी? चलिए सेंड करिए मेरे को।